बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम टुडे वी गोइंग टू कंटिन्यू विद द टॉपिक ऑफ प्रोबेबिलिटी जिसमें हम कॉन्ट्स की नॉलेज ले रहे हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग इट इन द रिस्क मैनेजमेंट आज हम बात करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ की व्हेन वी से कंडीशनल दैट मीन हैपनिंग ऑफ सम इज लिंक विद हैपनिंग ऑफ समथिंग एल्स तो यहाँ पे कंडीशन वाला एलिमेंट आ जाता है कंडीशन प्रॉबिलिटी इज़ अ प्रॉबिलिटी ऑफ एन इवेंट Given an other event has occurred, कि एक चीज हुई है उसके बाद ये दूसरी बात होगी तो देन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इट स्लैश बी विच इज इवेंट ए गिवन इवेंट बी हैज कि बी हो गया है फिर ए के होने के चांसेस क्या हैं वो हम इसमें गेज करना चाह रहे हैं यू कैन सी ए बी हैज पास देन वी सी द इंप्लीकेशन ऑफ

प्लेइंग कार्ड्स में से हम रैंडमली दो कार्ड ले रहे हैं एंड वी वांट टू नो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ दीज कार्ड आर एसेस एसेज दोनों एसेस हैं सिंपल फॉर अंडरस्टैंडिंग कि वी नो दे आर इन प्लेइंग कार्ड्स दे आर फिफ्टी कार्ड्स और फोर एसेस होते हैं तो हम लोग कह रहे हैं कि दोनों एसेस होंगे इसकी क्या प्रॉबिलिटी है अगर हम ले फॉर्म में बात करें तो इट्स सिंपल इसकी एक की प्रॉबिलिटी फोर बाय फिफ्टी है तो अगर हमने दो की प्रॉबिलिटी देखनी है तो वी सिंपली मल्टीप्लाई फोर फोर बाय बाय वन सिक्स नाइन राइट नो रॉन्ग क्योंकि ये बात हमारी थोड़ी सी इन अगर एक ऑब्जर्वेशन होती तो फिर तो ये लॉजिक ठीक था बट वेन वी आर देन डायनेमिक्स विल बी अबेट सपोजिटली जब हमने एक कार्ड निकाल लिया और एक एस आ गया फिर सेकंड एस आने के चांसेस कितने हैं वो थोड़ी सी रिवीजन हो जाएगी क्योंकि अब नंबर ऑफ कार्ड्स भी 52 नहीं रहे और नंबर ऑफ एसिस भी फोर नहीं रहे सो देर विल बी अ रिवीजन विच वी नीड टू इनकोपरेट इट विल बी एज वी विद यू दिस इज इनकोरेक्ट बिकॉज टू इवेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट इफ द फर्स्ट कार्ड इज एस देन द प्रोबिलिटी ऑफ द सेकेंड कार्ड एस वुड बी लोअर बिकॉज नाउ देर विल बी थ्री एस लेफ्ट

प्रॉबिलिटी एस एन दस्ट ड्रॉ सेकेंड में निकलने के चांस का क्या है अगर पहले में एस निकल आया तो पहला निकल आया कंडीशन पूरी हुई देन सेकेंड में निकलने की प्रॉबिलिटी वी आर गोइंग टू नो और ये बार जो है वर्ड में यूज की जाती है अब इसकी हम प्रोबिलिटी देखना चाह रहे हैं सिंस आफ्टर एस इज ड्रॉन एज एव टोल्ड यू नाउ वी डों और वो एस था तो अब हमारे पास टोटल जो कार्ड बचे दिफ्टी वन और एक पैक में वी हैव फोर एसेस तो एक अगर आपने एस निकाल लिया तो वी आर लेफ्ट विथ थ्री तो अब प्रोबेबिलिटी क्या हुई सेकेंड अटेम्प्ट में थ्री बाय फिफ्टी वन विच विल बी अ लोअर नंबर बिकॉज न्यूमिरेटर में से वन निकल गया न्यूमिरेटर वैसे ही फोर था शॉर्ट नंबर था उसमें से वन रिड्यूस हो गया इट्स बिग पॉल विल बी एक्सपेक्टेड इन दिस हम इसको प्रोबेबिलिटी में भी देखते हैं उसका इम्पैक्ट क्या आता है कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी चेंज होती है इफ इवेंट ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी वो हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट जिस तरह करते हैं तो अब ये रिवाइज प्रोबेबिलिटीज के साथ कैलकुलेट होगा फोर बाय फिफ्टी टू जो कि इनिशियल फर्स्ट अटेम्प्ट की है

बाय जस्ट वन कंडीशनल फैक्टर के पहला इम्पैक्ट जो है उसमें से आ गया तो ये कंडीशनल का इम्पैक्ट हमें लेके फिर इसमें इनकोपरेट करना पड़ता है देन वी एबल टू नो लाइक ये स्टॉक्स में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी की प्राइस एक दफा बढ़ी है फिर कम हुई है या रिटर्न एक दफ़ा नेगेटिव आया है, फिर पॉजिटिव आया तो कंडिशनल फैक्टर्स को हमें बिल्टेन करना पड़ता है थैंक यू